अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे चटपटा टमाटो सॉस। जिसके लिए सबसे पहले हम एक वेजल में 2 गिलास पानी लेंगे और इसमें 4 से 5 टमाटर डाल लेंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा सॉस चाहिए हो तो आप ज़्यादा टमाटर भी ले सकते हो। फिर अब हम इसमें 3 सूखी मिर्च डाल लेंगे और 4 लहसुन की कलियां डाल लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा इमली भी ऐड कर सकते हो और इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा टमाटर अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसका छिलका अलग से निकलने लगेगा, तब हम स्टोव ऑफ करके इसको ठंडा करके इसके सारे छिलके निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, इसका छिलका सिकुड़ने लग गया है तो अब ये तैयार हो गया है। चलिए सारे छिलके निकाल लेते हैं। अब हमने सारे छिलके निकाल लिए हैं। चलिए इन सब चीज़ों को मिक्सर जार में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। अब हमने अच्छे से टमाटर ब्लेंड कर लिया है। एक कढ़ाई लें, इसमें 2 चम्मच घी डालें या ऑयल भी ले सकते हो और 1 चम्मच रायता ऐड करें। और कटा हुआ प्याज ऐड करें और थोड़े से करी पत्ते के पत्ते ऐड करके इसको 1 मिनट तक भून लें। फिर इसमें 1 हरी मिर्च काट के ऐड कर लें और अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर लेंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक अगर कम लगा तो थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो पानी भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको थिक टोमेटो सॉस चाहिए तो ऐसे ही रहने दीजिए। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम स्टोव ऑफ कर देंगे। अब बॉईल हो गया है तो स्टोव ऑफ कर दें और गर्मा गर्म सर्व करें। दोस्तों, क्या आपको पता है ये कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होने के कारण स्किन के लिए फ़ायदेमंद है और आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।